बहुत जगह राशि आवंटन होने के बाद भी, जमीन अवेलेबल होने के बाद भी वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाया गया। पूरे प्रखंड की ये समस्या है। पूरे प्रखंड में लगभग 400 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अभी तक मात्र 2% आंगनबाड़ी का अपना भवन बना है और इसमें सेविका ही दोषी नहीं है, इसमें सबसे बड़ा दोषी LS और CDPO है। जब वहाँ विद्यार्थी ही नहीं है और सेविका सहायिका नहीं है तो वहाँ पशु नहीं बांधेगा तो क्या बांधेगा। एक 12 बज रहा है, लगभग 12 बज रहा है, आपका सेंटर पे एक भी बच्चा नहीं है, तो किस टाइप से आप लोग सेंटर चलाते हैं? किसी दिन लेट हो जाता है बच्चा को बुलाने में, आने में, तो क्या करेंगे, बच्चा आता होगा। सरकार जहां एक तरफ बच्चों के भविष्य के लिए प्रयासरत है, उनके लिए स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र तक खोले जा रहे हैं ताकि बच्चे एजुकेशन पा सके, वहीं दूसरी ओर सिस्टम की लापरवाही की वजह से कई आंगनबाड़ी केंद्र अधूरे पड़े हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधूरे आंगनबाड़ी केंद्र की वजह से दूसरे के द्वार पर चल रहे हैं। कुछ ऐसे ही आंगनबाड़ी केंद्र अररिया रानीगंज में मिले हैं जहाँ मवेशी बंधे हैं। जहाँ बच्चों को पढ़ना चाहिए वहाँ मवेशी का राज है। कुछ जगह बच्चे मिले तो कुछ जगह बच्चे नहीं मिले। आंगनबाड़ी दूसरी जगह चलाने पर सवाल पूछने पर आंगनबाड़ी सेविका ने बताया कि जगह नहीं रहने पर द्वार पर चलाना पड़ता है। वहीं जाप नेता प्रिंस विक्टर ने कहा कि पूरे प्रखंड का यही हाल है, मात्र 2% आंगनबाड़ी केंद्र ही बन पाए हैं, बाकी जगह अधूरा है तो कहीं है ही नहीं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पर जांच की जाए और कार्यवाही की जाए। वहीं इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु संपर्क नहीं हो सका। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने ऐसे ही केंद्रों का जायजा लिया। हालांकि इस न्यूज के कवर के दौरान न्यूज न चलाने की धमकी भी संवाददाता को दी गई, पर इसकी परवाह न कर मुकेश कुमार ने इसे कवर किया। अभी हम लोग गुलवंती पंचायत के वार्ड नंबर 4 और 5 में पाँचे ना उपस्थित है आंगनबाड़ी केंद्र में, केंद्र संख्या 204 में। आइए यहाँ का दिखाते हैं आंगनबाड़ी बाल विकास केंद्र परियोजना के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र की संचालित की जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए जर्जर स्थिति है। यहाँ सेंटर क्यों चलाते हैं, क्या कारण है? कितने दिनों से नहीं बनाया? आप यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ाते हैं? 2007 से। फिर तो भवन बनाया जा रहा था, किस कारण से नहीं बना है? ये तो हमको मालूम नहीं। कितने दिन हो गया है? यहाँ 7 से आ रहे। आप लोग कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पढ़ाते हैं? 10 से 2। 10 से 2 बजे तक। और बच्चे को क्या खिलाते हैं? मेनू के अनुसार खिलाते हैं। क्या सब? खिचड़ी खिलाते हैं, पुलाव खिलाते हैं। किस किस डेट में क्या खिलाते हैं बताइए? सोमवार को, शनिवार को, बुधवार को खिचड़ी खिलाते हैं, मंगलवार को पुलाव खिलाते हैं, गुरुवार को हलवा खिलाते हैं, शुक्रवार को रसिया खिलाते हैं। आपके पदाधिकारी कौन कौन जांच में आते हैं यहाँ? आपका विभागीय पदाधिकारी LS मैडम आती है। LS मैडम का क्या नाम है? उषा कुमारी को आपने कभी बोले थे कि भवन निर्माण करवाइए? चेंज होता है कि बोले थे, एक बार दूसरा मैडम आई थी तो कहा कि हम क्या करेंगे, होगा। CDPO मैडम को जानकारी दी है इस बात की कि भवन नहीं, हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? आपने आपका ही दरवाजा है? किनका दरवाजा है? भाड़ा पर चलाते हैं। भाड़ा पर चलाते हैं, तो भवन होते हुए भी आप किराया पर चलाते हैं? अभी पूरा नहीं हुआ है,
कैसे रखा? तो बताया जा रहा है कि करीब करीब 7 वर्ष हो गया, अभी तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया? अब तो मुखिया जी बनाया, सरपंच मुखिया, हमको क्या पता कि कौन बनाया, अधूरा है कि क्या है, हम तो देखते हैं अधूरा है। हमको जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तो हम कैसे जाएंगे वहाँ? बनेगा सब कुछ वहाँ कम्प्लीट होगा तभी। कितने बच्चे को यहाँ पढ़ाना है एक सेंटर पे? 40 बच्चा। अभी तो देखा जा रहा है यहाँ लगभग में 20 ही बच्चा है, क्यों, कारण क्या है? 20-22 ठो बच्चा है। आप अपना परिचय दीजिए। हमरा श्रीमती बरला देवी। घर आपका? हमरा 8 वार्ड में। केंद्र संख्या? 206। सहायिका कौन है? कविता देवी। केंद्र संख्या 208 में, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 208 में भवन का निर्माण नहीं किया गया है, क्या कारण है आप बताइए तो? कारण तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बना हुआ है हमसे जो अभी वो मुहैया नहीं कराया गया है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं उसमें। हमको आदेश आएगा तो हम उसमें। आप लोग अभी कहाँ सेंटर चलाते हैं? बरंडे में चलाते हैं। किनके दरवाजे पे? विजय राय के। क्यों चलाते हैं बरंडा में? भवन बनाया गया था तो भवन में बच्चे को पढ़ाने के लिए के सेंटर चलाने के लिए ना। सर डीपीओ सर भी आकर के जांच में आया था, वो भी निरीक्षण करके गया। निरीक्षण करने के दौरान डीपीओ साहब क्या बताया? बोला हम आगे देखेंगे। हम कितने दिनों के बाद? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया, अभी तक अभी तो भवन अधूरे है। भवन तो बहुत तो आपकी सेंटर है, आपने कहीं पे आवेदन दिए कि हमको पढ़ाने में जो है कठिनाई हो रही है, भवन निर्माण किया जाए? ऑफिस में बार बार बोलते हैं। किनको बोलते हैं? सीडीपीओ मैडम आती है। सीडीपीओ मैडम का क्या नाम है? तनुजा। सीडीपीओ मैडम क्या बताई? वो कुछ नहीं बोलते हैं। आप बोलिए, जो बनाया है यहाँ पर उसको बोलिए, यहाँ पर तो मुखिया बनाया है तो मुखिया आप क्या चीज़ से, हमको तो यही पूछा कि यहाँ पर हम निर्माण किए हैं आपको मंजूर है? हम बोले मंजूर, हमको जहाँ जहाँ बना करके दीजिएगा हम वहीं पर पढ़ाएंगे। कारीमा। और आपका LS आती है जांच में? LS का नाम क्या है? उषा मैडम। उषा मैडम क्या बताई? उषा मैडम भी बोलते हैं कि आप बोलिए, आपका पोषक क्षेत्र में है मुखिया, तो मुखिया को बोलिए बनाने के लिए। कितने दिन हो गया है भवन निर्माण जो करवाया जा रहा था, कितने दिन पहले पूर्व? 6 साल से इतने बढ़िया पदाधिकारी आए लेकिन कुछ इसका आश्वासन नहीं दिए? आपका सेंटर कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? 10 से 2। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता देवी है, गुणवंती पंचायत में रहती हूँ। वार्ड नंबर? सेविका संयोगिता देवी, वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। केंद्र संख्या? 208। आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या समस्या है? सर समस्या यही है, बच्चा से कम पढ़ाना लिखा जो होता है उसी दरवाजे पर हो रहा है, जहाँ उपस्थित आंगनबाड़ी है वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों, कारण क्या है? कारण क्या, वहाँ मकान का उपलब्ध नहीं है, जो भी बना हुआ है अब अधूरा बना हुआ है। सर पता चला कि ये तो 7 वर्ष पहले का योजना है। जी योजना है, इसमें क्या प्रक्रिया, पहले का प्रक्रिया था, अधूरा बना हुआ है, वहाँ ग्वाली घर बना हुआ है, भैंस मार सब बनता है वहाँ, सर जलावन है उसमें। भैंस कौन बांधते हैं उसमें? वहाँ का टोला वाला, जब खाली है जगह तो कोई भी बांध सकता है। क्या समस्या बाबा? ये पंचायत का इतना हाल बुरा है ना, जो हद से ज्यादा, एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहा अच्छा से, मतलब रोड फोड जो बना हुआ भी न बना, 2 वार्ड में जो चेक काट के हमारा वार्ड सदस्य और क्या कहते हैं सचिव दिया है वह भी काम नहीं हो रहा है। कहाँ का चेक काट के दिया गया है? 2 वार्ड का। अभी तक में क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। ये क्यों, कारण क्या है? अब कारण तो मुखिया जाने क्या कारण है। कितने का चेक काटा गया है? कितने काट लिया? 290 का चेक कर। कितने दिन पहले? आज से 6 महीना पहले। मैंने डेढ़ महीना पहले। लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं। और क्या समस्या है? सदस्य को कहते हैं तो कहता है, मुखिया को कहते हैं चेक काट दिया है, कमेंट कर रहा है।
तो मुखिया जाने, वार्ड सदस्य जाने, हम लोग क्या था? मुखिया जी क्या आश्वासन देते हैं? मुखिया जी से हम बात नहीं करते हैं, वार्ड सदस्य को कहते हैं, पड़ोसी है, ये कहते हैं, तो कहता है मुखिया जी को चेक काट दिया, काम के लिए काम नहीं हो रहा, तो हम क्या करें। आंगनबाड़ी की क्या क्या समस्या है? आंगनबाड़ी का समस्या है जो पूर्व मुखिया बनाया था, अभी वर्तमान मुखिया कम से कम देख रेख में कमी है, इसका मतलब इसका चलते कि जो अभी उसमें गाय माल बना जाता है, गौशाला बना के रखा है, उसका बरंडा पर चल रहा है केंद्र। आप क्या कहना चाहिएगा इस पे? बनना चाहिए ना, और बाल बच्चा को दिक्कत हो रहा है, बनना चाहिए। समस्या ये है कि हम दो बार से वार्ड सदस्य हैं, इसका हालत ऐसे कैसे है, जब भी इसका उठाव हुआ तब से उसको बोल रहे हैं कि इसका क्या होगा क्या होगा, तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता, कोई वरीय पदाधिकारी ध्यान नहीं देता है। जांच करने वरीय पदाधिकारी यहाँ पे जांच करने आए हैं कभी, अथवा कभी आए भी नहीं किए कभी? वरीय पदाधिकारी को आप लोग सूचना किए थे? हाँ किए थे। किन को सूचना किए थे? वीडियो परमिला देवी को। वीडियो परमिला देवी को सूचना किए थे? वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी परमिला देवी जो थी तो लगभग वे 3 साल पूर्व ही थी। हाँ, 3 साल से पहले भवन बना है। 3 साल से पहले भवन बना है, लेकिन अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। बस अधूरा पड़ा है। क्यों, कारण क्या है? क्या कारण है वो वही लोग ने बताएगा, पंचायत सभा को पूछते हैं वो भी अलटल कर देता है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार है, वार्ड नंबर 5 का सदस्य। केंद्र संख्या 208। 208 में क्या समस्या है? अधूरा पड़ा है। क्यों, कारण क्या है, अधूरा होने का कारण क्या है? कारण तो अब तो मुखिया जी ही जाने, जो कारण क्या है वही बनवाए हैं। तो मुखिया जी वर्तमान में है? नहीं है वर्तमान। कितने दिन हुआ? 7-8 साल हो गए। 8 साल से अधूरा है। अधूरा। इसकी जांच करने के लिए कौन कौन से पदाधिकारी आए अभी तक में? अभी तक तो कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं जांच करने के लिए। तो फिर सेंटर कहाँ पे चल रही है? उसी का जो जमीन दाता है उसी का दरवाजे पर चल रहे हैं। क्यों, ये तो जो है कि नियम नहीं है कि किसी के दरवाजे पे भवन होते हुए भी आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाए, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? हम तो यही कहना चाहेंगे जो केंद्र में ही चले, उसके दरवाजे पर, तो आखिर सरकार को तो उसका जो है चीज देना पड़ता होगा रेंट। उसमें तो देखा जा रहा है पशु शेड की भी व्यवस्था है, गौशाला बनाया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? पशु सेट उसमें भी पशु बांध रहा है 6 महीना पहले। तो पशु बांधने के लिए ही भवन का निर्माण किया गया था क्या? अब तो मुखिया जी ही जाने ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसमें? उसका रिलेशन का आदमी है तो हम क्या बोलेंगे? कितने दिनों से इसमें जो है कि पढ़ाई नहीं हो रही है? तो कभी नहीं हुआ है उसमें पढ़ाई, कभी भी नहीं हुआ है भवन में, कभी नहीं हुआ। आप अपना परिचय दीजिए। हम वार्ड सदस्य पति हैं, वार्ड नंबर 2, मेरा नाम जयनंदन राय है। आंगनबाड़ी भवन जो है कि अधूरा पड़ा हुआ है सर, क्यों, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आंगनबाड़ी केंद्र जो है बनने के लिए सरकार सबसे पहले आवंटन मुहैया करा दिया, बहुत जगह ऐसा है कि जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र सेविका के दरवाजे पर ही चलने का कार्य हो रहा है, पहली बात ये है। दूसरी बात कि बहुत जगह राशि आवंटन होने के बाद भी, जमीन अवेलेबल होने के बाद भी वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाया गया। ये जो है कि कब की योजना है, कितने दिन से जो आंगनबाड़ी केंद्र जो है कि अभी तक में अधूरा पड़ा हुआ है? ऐसे हम क्षेत्र चलते हैं, बहुत सारा केंद्रों को देखते हैं जो आधी अधूरा पड़ा हुआ है। ये हमको लगता है कि 2007-6 से या उनके पहले से बिहार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो बताए थे कि सभी जगह जमीन अवेलेबल हो और आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो, जिनके लिए राशि भी मुहैया कराया। ये जो है कितने की योजना थी? शायद हम पूरे कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि लगभग 7 लाख का है। लेकिन तो इतना लगा ही नहीं है, अभी तक देखा जा रहा है कि अधूरा ही है जी। उनमें तो संवेदक दोषी हैं, या जो सही कहा है वह दोषी है।
तो किसी व्यक्ति के दरवाजे पे पढ़ाया जा रहा है सेविका के द्वारा, तो कहाँ पढ़ाया जाना चाहिए? सेंटर पे ही ना, दूसरे दरवाजे पर पढ़ाना चाहिए किसी का दरवाजे हो, लेकिन अपने निजी घर पर नहीं पढ़ाना चाहिए। जो आज सेविका सब मनमानी करके अपने ही दरवाजे पर वो पढ़ाने की काम करती है, इससे ये होता है कि बच्चे को सबसे पहले जो राशन खाना दिया जाता है वो नहीं मिल रहा है। सरकार अंडा का भी प्रावधान दिया गया था सरकार के द्वारा, वो भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात उससे भी ये है कि धात्री मातृ छात्री जिनके लिए टेक होम राशन दिया गया था शायद महीना में दो बार, वो भी अवेलेबल नहीं है। सरकार के खाते से तो अवेलेबल है, लेकिन ये सेविका क्या करती है, उनसे जो जुड़े हुए हैं प्रखंड के लोग, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई मानसान नहीं है, अर्थात इसमें लूट मचा हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। देखा जा रहा है कि सर आंगनबाड़ी केंद्र पे भी बच्चे की भी संख्या बहुत कम है, 50% से भी कम है, इस पे क्या कहेंगे? क्या करेंगे, बच्चे को गोल्ड मैरी जो बिस्किट होता है 5 रुपया में, उसमें शायद 10-12 पीस आता है, एक पीस बिस्किट दिया जाता है, तो बच्चे क्या करने के लिए जाएंगे? और देखा गया कि बहुत सारे ऐसे सेंटर है कि उसमें जो है कि एक भी बच्चे नहीं थे, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी रजिस्टर पर तो उनका बच्चा का उपस्थिति कायम है, हम लोग प्रतिनिधि हैं, कंप्लेन किस जगह करेंगे? अगर कंप्लेन करते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र का जो सेविका सहायिका है उनसे दुश्मनी, दूसरी बात जिस विभाग में देते हैं वो अफसर भी सोचता है कि हम लोगों पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखता है, उनसे भी दुश्मनी, और सिस्टम बात ले भी नहीं रहा है, तो दुख की बात है, तो बोले बताएं कहाँ, दुख को बयां किस जगह करें, इसलिए मौन हो जाते हैं। सर अभी तक में इसकी आवेदन आप लोग कहाँ कहाँ दिए और हमने अपने सदन में रानीगंज समिति का जो सदन होता है, हमने बहुत मजबूती के साथ सदन में भी बात उठाने का काम किया, फिर जिला में भी हमने बात उठाने का काम किया था और अमल कुछ भी नहीं हुआ, तो इससे हम अपनी हार महसूस करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। दिनेश पासवान, जिला परिषद, क्षेत्र संख्या 21, रानीगंज। फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल जिसमें आपको मिलेगा 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सुविधा, ICU, NICU, जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोफार्मेसी, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटराइज लैब, एम्बुलेंस की सुविधा, जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा। हमारे अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड, 0 माइल, अररिया। पहली बार मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रीकास्ट वेलेट, प्रीकास्ट वॉन्डीपॉट, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोटर कट्टी, अररिया, 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, NH 57 से पूरा।